यूं तो देवकी नंदन ठाकुर जी पूरे विश्व भर में भागवत कथाएं करते रहते हैं। उन्होंने मुंबई में भी कई बार भागवत कथाएं करी हैं, लेकिन इस बार जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है वो बहुत ही भव्य हो रहा है। जो इसकी तैयारियां चल रही हैं उसी की जानकारी लेने के लिए आइए हम बात करते हैं विजय शर्मा जी से। विजय शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय शर्मा जी, जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है 6 दिसंबर 2018 से लेकर 14 दिसंबर 2018 तक देवकी नंदन जी का, उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, तैयारी तो इसकी पिछले 6 महीने से चल रही हैं, और आपको बता दूं कि पिछले साल भी आयोजन हुआ था और लगभग यही डेट थी, 13 दिसंबर को संपूर्णता दिवस था, लेकिन आज इस बार ये 6 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और 5 को महाराज जी आएंगे, और पहले वो सिद्धि बना के जाएंगे, उसके बाद में कथा 6 दिसंबर को कलश यात्रा होगी, जिसमें हजारों हजार माता बहनें, सौभाग्यवती माता बहनें कलश उठाएंगी नवगढ़ रोड हनुमान मंदिर से दोपहर में 2 बजे, और उसके बाद में 7 तारीख से कथा होगी। 2:30 बजे से समय रखा गया है और एवरीडे 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक की कथा रहेगी। बीच बीच में अद्भुत प्रसंग रहेंगे, और पिछले साल भी देखने को मिला था कि हजारों की तादाद में पूरी मुंबई, ऐसे कहते हैं कि एक उमड़ गई हो वो माहौल था, और पूरे ग्राउंड में भक्ति भक्त दिखाई दे रहे थे, उसी तरीके का माहौल इस बार भी होगा, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत ये आयोजन भागवत कथा का यहाँ बहिंदर में होगा। इस बार जैसे बताया जा रहा है कि जो कथा होने वाली है बहुत ही भव्य है, बहुत अलग तरीके की होने वाली है, तो मतलब क्या अलग होगा इस बार? कौन कौन से वाक्य मतलब रामलला के बताए जाएंगे या भगवत कथा का, बताइए। देखिए, क्या है आपको बता दूं कि कलश यात्रा है, कलश यात्रा हम करेंगे 6 तारीख को, तो उसमें कलश यात्रा माता बहन जो आएंगी कलशों के लिए और वो साथ में पैदल चलेंगी, उसमें मुंबई के लिए एक और अच्छा रहता है कलश यात्रा में कि महाराज जी स्वयं कलश यात्रा में रहेंगे और महाराज जी कलश यात्रा में भाग लेंगे। उसके बाद में अनेकों अनेक झांकियां निकाली जाएंगी, अनेकों अनेक महाराष्ट्र का भी जो ग्रुप होते हैं नृत्य इत्यादि, वो सभी उसमें रहेंगे, झांकियां रहेंगी, झंडे लेकर हमारे युवा रहेंगे। इसके बाद में कलश यात्रा लगभग 3 से 4 किलोमीटर की पैदल एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक रहती है, इतनी लंबी कलश यात्रा की जाती है, जो पिछली बार भी की गई थी। और इसके बाद में कथाएं तो करते ही हैं, कथाएं तो आप भागवत कथा टीवी पर भी सुनते हैं, भागवत कथा आप लोग, हम लोग सब लोग देखते भी हैं कि गलियों में, शहर में, कॉलोनियों में कथाएं होती हैं, लेकिन महाराज जी की जो भागवत कथा है वो एक जीवन की कथा है। जीवन किस प्रकार हमें जीना चाहिए, आज के जो युवा, जो एक कह सकते हैं कि शांति कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है, पैसा है लेकिन शांति नहीं है, लेकिन वो उसको यूज करना नहीं आ पा रहा है, उसको कैसे हम यूज करना चाहिए, कैसे हमें जॉब करनी चाहिए, कैसे हमारे घर में रहना चाहिए, कैसे हमें अपने माता पिताओं के साथ रहना चाहिए, कैसे हमें अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भटकाव की स्थिति है। तो भटकाव की स्थिति में गारंटी से कहता हूँ कि एक बार युवा कहें या व्यक्ति कहें, वो कथा यदि पूरी सुन ले पंडाल में बैठकर, तो उसके जीवन में बहुत कुछ चेंज आ जाता है और बहुत कुछ वो पा जाता है एक ही कथा में, महाराज जी की एक ही कथा में उसके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है, और वो शांति के साथ में, सुकून के साथ में वो ज़िंदगी जी पाता है। क्योंकि तभी जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, महाराज जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, इंडिया में तो हजारों लाखों लोग एक साथ पंडाल में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सुकून मिलता है, कहीं ना कहीं उनको बहुत कुछ वहाँ से प्राप्त होता है, तभी वो यहाँ भाग ले पाते हैं। तो ये सभी अनेकों अनेक प्रसंग भी रहेंगे, कृष्ण भगवान का जन्म है, वामन भगवान का प्रसंग है, पहला चरित्र है, और किस प्रकार हमें भक्ति किस लेवल पे करनी चाहिए, किस अवस्था में करनी चाहिए, उसके बाद में भगवान की वो लीलाएं हैं कि भगवान ने कैसे वो जन्म लिया, कैसे माखन चोरी की, कैसे ब्रज में सखाओं को, कैसे ब्रज के गोपियों को उन्होंने आनंद दिया, इसी तरीके से अनेक अनेक लीलाएं हैं, रुक्मिणी कृष्ण विवाह है, सुदामा चरित्र हैं, ये सभी प्रसंग भागवत कथा में आपको देखने को, और फिर भजन जब होते हैं तो पंडाल अपने आप में वृंदावन बन जाता है, वो वृंदावन बनने में मात्र 8 से 9 दिन और शेष हैं। जी विजय जी, जैसे हमने देखा है कि देवकी नंदन जी कहीं भी अपना
कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ आती है, भक्तों की भीड़ आती है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि कितने भक्त आएंगे और भागवत कथा का आनंद लेंगे? पिछली बार भी देखने को मिला था करीबन 70-80 हज़ार लोगों ने भाग लिया था, कथा का आनंद लिया था। इस बार लग रहा है कि करीबन ये टारगेट 1 लाख के आसपास में रहेगा और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचकर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भक्त जब आते हैं महाराज जी को सुनने के लिए, अब मैंने पिछली बार देखा था यहाँ बहिंदर में कि पीछे तक एकदम भक्त बैठे हुए हैं और पूरा का पूरा ध्यान मंच की तरफ है। जगह जगह LED लगाई गई थी जिससे कि उनको देखने में आसानी हो, तो इस बार भी व्यवस्था की जा रही है। वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है, मंदिर लगाए जा रहे हैं, झांकियाँ लगाई जा रही हैं, वो सब लगाया जा रहा है, तो बहुत बड़ी संख्या इस बार और होने की उम्मीद है। जैसे ही देखा जा रहा है आजकल का युवा बहुत ज़्यादा भटका हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि वो बहुत दूर भाग रहा है भक्ति भावना से, एक तरीके से वो नास्तिक हुआ जा रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों भागवत कथा वो सुने, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके चरित्र पर, उसके दिमाग पर? नज़रिया है, आप कह रहे हैं कि दूर भाग रहा है, हमें लग रहा है पास आ रहा है। पहले युवा जो थे वो केवल और केवल पढ़ाई से और वहाँ तक सीमित थे, पंडालों में नहीं जाते थे, मंदिरों में नहीं जाते थे। मेरा नज़रिया ये है कि आज की इस समय में तीर्थों में सबसे ज़्यादा युवाओं की भीड़ लग रही है, पंडालों में सबसे ज़्यादा युवा हैं। अभी आप देखना बहिंदर में लगभग 60% युवा रहेंगे, युवा माने 40 साल से नीचे नीचे जितने भी रहते हैं मैं उसको युवा मानता हूँ, लेकिन सरकारी हिसाब से तो 60 साल का है, लेकिन मैं फिर भी 40 साल का मान रहा हूँ कि 40 साल से नीचे नीचे जो हैं वो युवा हैं। और 65% आपको युवा पंडाल में मिलेंगे, युवा भाग नहीं रहा है। जो आए हैं, जैसे भी आप सोशल मीडिया ले लो, सोशल मीडिया मेरे नज़रिए में यदि व्यक्ति धर्म के हिसाब से वो बात करे तो सोशल मीडिया पर धर्म की चर्चा बहुत ज़्यादा युवा कर रहा है। हमारे भटकाव की स्थिति कहाँ है कि हमारे जितने सीनियर सिटीजन थे उन लोगों ने उस चीज़ को आगे नहीं पहुंचा पाए जिनकी जिम्मेदारी थी। जब आज जो 70 साल के 80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, 60 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों ने पहले अपने बुज़ुर्गों से प्राप्त किया था। जब वो बच्चे थे 7 साल के 8 साल के तो उनके बुज़ुर्ग कहानी सुनाते थे, भगवान के विषय में बताते थे, लेकिन आज के बुज़ुर्गों ने क्या वो काम किया है? नहीं किया है। आज के बुज़ुर्गों ने वो भटकाव की स्थिति पैदा की, तभी वो युवा भटक रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं कथाओं से, सोशल मीडिया से आज के युवा उस पर बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं, और देश के लिए जो युवा आज का काम कर रहा है, धर्म के लिए जो युवा काम कर रहा है, वो कोई नहीं कर सकता। जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।